बहुत ज्यादा मुझे भूख लगी और मैंने सारे पैकेट्स खोल के खा रही। आप सोचोगे ये भी खोल गया दूसरा भी खोल गया, हाँ मैं तीसरा और चौथा भी खोल ही रूंगी थोड़ी देर में। बाय द वे मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी क्योंकि मैं सुबह से शूट कर रही हूँ। वोने हैव वोने ग्रैब अ बाइट ऑफ दिस। बाय द वे आपके मन में डेफिनेटली इतने सारे जो मैं चिप्स के पैकेट लाई हूँ वो देख करके तो लगा होगा ये मैम है कि कोई बुकर है। मैंने दोनों हूँ बाय द वे। अच्छा अगर आपको मुझे बुक्कर बोलना है ना तो मैं आपको एक वर्ड बता रही हूँ इंग्लिश में, उसमें बोलना। बुक्कर को हम इंग्लिश में ये वर्ड कहते हैं, तो अब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करोगे मुझे ये बताओ। तब तक मैं ये खाती हूँ। सोचा अभी तक कि नहीं, चलो कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ। आपको ये चीज दिख रही है, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये तो क्या है, स्विच है, स्विच बटन है। अब बटन की स्पेलिंग क्या होती है? BUTTON है ना। हम इसको बुटॉन तो नहीं कहते, हम इसे बटन कहते हैं। वैसे ही आपके सामने भी एक वर्ड है GLUTTON, तो आप इसे ग्लूटॉन, ग्लूटन या कुछ अजीब सा प्रोनाउंसिएशन नहीं आप इसके लिए लाएंगे, आप कहेंगे ग्लटन, ग्लटन। ठीक है, ग्लटन का मतलब होता है भुक्कड़। तो अब अगर आपको कहना है ना मैम आप बहुत भुक्कड़ अकेले अकेले खा रहे हो चिप्स, Well, I'm offering you, if you wanna grab a bite, आप definitely ले सकते हो। तो आप कह सकते हो मैम यू आर सच अ ग्लटन, आप बहुत बड़े भुक्कड़ हो। ओके, सो भुक्कड़ के लिए हम इंग्लिश में ग्लटन वर्ड यूज करते हैं। ओके बाय।